दोस्तों, जैसे आप UIDAI की वेबसाइट से चेक करते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है, तो आपके सामने इस तरह का एरर देखने को मिल जा रहा है। टेक्निकल एक्सेप्शन का एरर देखने को मिल जा रहा है और आप चेक नहीं कर पाते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपका बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, पेंशन का पैसा आएगा और PM किसान सम्मान निधि का भी पैसा आएगा। यानी कि सरकारी योजनाओं का जो भी पैसा रहेगा आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा, जो बैंक अकाउंट आपके NPCI DBT के साथ लिंक होगा। तो इसी एरर को देखते हुए मैंने UIDAI के कस्टमर केयर से फ़ोन करके बात किया है। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा और आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना और उसमें आपको टाइप करना आधार मैपिंग NPCI। और जैसे मैंने टाइप किया था तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना, एक कैप्चा जैसा लिखा उसी तरह कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना, सेंट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP गया होगा। जैसे OTP मेरे पास आ गया, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे OTP इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP को इंटर कर देता हूँ, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में फिर से वही एरर हमारे सामने आ गया है, टेक्निकल एक्सेप्शन का एरर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है UIDAI की वेबसाइट पे, इसके लिए इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, मैं जो कस्टमर केयर से बात किया है उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि हम आधार की वेबसाइट पे UIDAI की वेबसाइट पे जैसे NPCI स्टेटस चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टेक्निकल एक्सेप्शन का ऑप्शन देखने को मिला है। दो हफ्ते से क्या प्रॉब्लम चल रही है? जीवन जी, आपको जो सुविधा हो रही है इसके लिए भेज हम जाएंगे। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ आप बैंक लिंक स्टेटस चेक करना चाहते हैं, विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। जी जी, मान जी, निश्चिंत रहे, विषयों की पूरी सहायता की जाएगी। मैं चाहूंगा बैंक लिंक स्टेटस आप साइट पर चेक करना चाहते हैं जी, तो वहाँ पर सिर्फ वही बैंक शो करता है जो आपका आधार से सबसे पहले लिंक हुआ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पता करोगे कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप पहली बार किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते समय अपना आधार नंबर दिया था, वही बैंक अकाउंट आपका NPCI DBT के साथ लिंक होगा। यानी कि पहली बार जब आप अकाउंट ओपन कराते समय अपना आधार नंबर दिया था उस बैंक में, वही बैंक अकाउंट आपका NPCI के साथ लिंक होगा और वही बैंक अकाउंट आपको UIDAI के पोर्टल पर भी वही बैंक शो होगा। तो आप इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI DBT के साथ लिंक है। तो आई होप दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों से।